हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की जो बुक है उसका यूनिट टू जिसका चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग पोइट्री। आज उसका हम पार्ट नंबर टू की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा तो आप उसे भी ज़रूर देखें, वो छोटा सा पार्ट है। और बाकी का चैप्टर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से जुड़ी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोइट्री को एक्सप्लोर किस तरह करना है, ठीक है, पोर्स क्या है और उसके बाद पोइट्री क्या है, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि फॉर्म क्या होती है, हर पोइट्री में एक फॉर्म होती है, वह फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूसेज। एक पोयम है, ठीक है, जो लिखी गई है हयान चाचरा द्वारा, CHARARE चाचरा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये यूसेज एक पोयम है जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं और उनका जो स्ट्रगल है लाइफ का उसके बारे में इस पोयम में वो सिंपली बताते हैं। तो आज की पोयम इसी के ऊपर है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पोयम का नाम है यूसेज, USAGE, अ पोर्स पोयम बाय हयाना चाचरा। एक अरब के राइटर हैं, ठीक है, जो अमेरिकन भी हैं पर उन्हें अरब राइटर्स के नाम से कहा जाता है। इफ़ वी लुक द पोम यूसेज फर्स्ट सो वी कैन फिगर आउट दैट देयर इज़ लैक ऑफ स्टैंजा। अगर हम सिंपली पोएम को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, तो जब आप पोएम को अपनी बुक में देखेंगे तो आप पोएम में ये पाएंगे कि पोएम में जो लाइन्स हैं, ठीक है, वो लाइंस, कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है, वहाँ पे लैक ऑफ स्टैंजा है। स्टैंजा चार लाइन का होता है, ठीक है, तो वहाँ पे चार लाइन का कोई भी स्टैंजा नहीं बनाया गया है। वहाँ पे सिंपली हर एक लाइन में उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड्स को मिक्स करके दिया है जिससे कि वो अपने लाइफ का जो स्ट्रगल है उन वर्ड्स के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो यूसेज जो पोएम है वहाँ पे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि लैक ऑफ स्टैंजा है, आपको उसमें स्टैंजास मिलेंगे ही नहीं। एंड देन आप कुछ उसमें देख सकते हैं कि यू कैन फाइंड आउट दैट इट हैज़ मैनी पोइटिक डिवाइस लाइक रिपीटेशन, यूज़ ऑफ लिटरेचर डिवाइस लाइक मेटाफर एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब आप उनकी पोम में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपली उनकी पोम को देखते हैं तो आप उसमें फिगर आउट करेंगे, आप ये भी फिगर आउट करेंगे कि उन्होंने अपनी पोम है जो लिखी है यूसेज, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, ठीक है, जैसे रिपीटेशन, मेटाफर स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया है जिससे कि जो उनकी पोम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट हो गई है कि पढ़ने वाला उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके और समझ सके कि ये जो पोम है उसमें कितना स्ट्रगल है, ठीक है, पोम के राइटर ने कितना स्ट्रगल किया है ये उस पोम में वो बताते हैं। देन पोर्स पोम और ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट इन फ्रांस एंड जर्मनी इन 19th century। 19वीं शताब्दी में जो पोर्स पोम है वो ओरिजिनेटेड हुई थी, ठीक है, मतलब बनाई गई थी एक तरह से इन अ वेस्ट की दिशा में जो देश आते हैं वहाँ पे इस पोम का जन्म हुआ था, फ्रांस एंड जर्मनी के देशों में, ठीक है। फ्रांस एंड जर्मनी ये जो मुख्य देश हैं जहाँ पे पोर्स पोम को हम कह सकते हैं कि इन्वेंट किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो कंट्री हैं वो जर्मनी और फ्रांस है जहाँ पे पोर्स पोम को इन्वेंट किया गया था। उसके बाद आता है पोर्स पोम डिड नॉट गेट मच सक्सेस एंड इट कम बैक इन 1950s 1960s इन USA। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पोर्स पोम बनाई गई थी वो 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब कि 1900 के सन में। अब उसके बाद जब पोम का ये जो टाइप बना दिया गया प्रॉस, इसके बाद जब इसको मार्केट में उतारा गया तो इसने ज़्यादा सक्सेस नहीं पाई। सक्सेस का मतलब कि उसको ज़्यादा लोगों ने पढ़ना पसंद नहीं किया, बेसिकली कम लोग उसे पढ़ते थे, ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो उसने 1950 में पोर्स पोम ने 1950 से 60 के दशक में USA में कम बैक करा, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा चली नहीं तो उसको वापस आना पड़ा USA में। एक तरह से लोगों द्वारा उसका नापसंद करना ये कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ पोर्स पोम उसका जो एडवांटेज है वो क्या क्या है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन भी आता है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, सिंपली इसी तरह का है, ठीक है। तो इसका जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ये है कि इट इज़ प्रिमिसिव फॉर्म एंड फ्रीज द पोइट फॉर्म द कंसिस्टेंस ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये एक प्रेसिव फॉर्म है राइटिंग की, पोइट्री लिखने की एक प्रेसिव फॉर्म है जो कि जो राइटर होता है उसे खुली छूट देती है कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपना जो एक्सप्रेशन है या फिर एक्सपीरियंस हैं, इन सबको वो सिंपली अपनी पोम में दिखा सके, राइटर वो रीडर्स को दिखा सके, ठीक है। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है राइटिंग का। बाय यूजिंग द पोर्स पोम फ्रॉम चचरा इज एबल टू यूज़ वैरायटी ऑफ फॉर्म लाइक कोटेशन, स्टैटिक्स, रेफरेंस टू अ पोलिटिक फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि जब जो पोर्स फॉर्म है उसमें जो राइटर है हयाना, उनके द्वारा जब पोर्स फॉर्म लिखी गई तो पोर्स फॉर्म ने उन्हें एबल कर दिया, मतलब उन्हें बाध्य कर दिया कि वो अपने पोम में क्या यूज़ कर सकते हैं, कोटेशंस, मतलब अपने कई कई सारे थाट्स को कोटेशन में लिख सकते हैं, स्टैटिक्स आंकड़ों को दे सकते हैं, रेफरेंसेस किसी के द्वारा कुछ बताया गया उसे इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, और पॉलिटिकल फिगर्स कुछ व्यक्ति जो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका भी फिगर्स ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोर्स फॉर्म में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं बिना किसी हिजक के, बट अगर आप वहीं पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री इमेजिनेटिव होती है, तो वहाँ पे ये सब लिखना थोड़ा सा हम कह सकते हैं अनकम्फर्टेबल होता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है ही इज एबल टू मिक्स अप द अनएक्सपेक्टेड विद द नोन दैट लीड्स आयरोनिक टर्न्स एंड प्रोड्यूस मीनिंग। अब जो प्रोस पोम है उसके द्वारा जो हयान है, राइटर हयाना, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी उन चीज़ों से मिक्स कर दिया जो कि लीड कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जो कि समाज में ये बताते हैं कि हाँ ये लीडरशिप के लिए है, ठीक है, ऐसे शब्द उनके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को मिक्स कर दिया और उन्होंने क्या करा एक, और उन शब्दों ने मिलकर एक मीनिंग बनाई जो कि इस पोम में दिखाई गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पोम क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया है अबाउट द पोम यूसेज। तो अब पोम के बारे में हम बात करते हैं। इन दिस पोर्स पोम द ऑर्थर हयान चचरा इज टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो राइटर है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं इस पोम में। वो बताते हैं ही टॉक अबाउट दैट हाउ ही वॉज अ विक्टम ऑफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इस पोम में यही दो शब्द है जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। तो ही टॉक अबाउट दैट हाउ ही वॉज अ विक्टम ऑफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। वो ये बताते हैं कि वो किस तरह अपने मतलब पास्ट में एक विक्टम थे पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, ठीक है। जब वो इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो इनके फादर थे वो यूएसए में बॉर्न नहीं हुए थे, मतलब पैदा नहीं हुए थे, हयान के राइटर के जो फादर थे वो यूएसए में पैदा नहीं हुए थे, बट राइटर यूएसए में पैदा हुए थे। तो अब लोग ये सोचते हैं कि जो राइटर है वो भी एक अरब देश का एक व्यक्ति है, ठीक है, अरब देश का व्यक्ति है, मतलब एक तरह से मुस्लिम है। अब यहाँ पर मुस्लिम की बात कही जा रही है या फिर अरब देश के जो यहूदीस थे उनकी, तो यहाँ पर रिलीजियस के तौर पर उन्हें परेशान किया गया, एंड देन उनकी लाइफ थोड़ी बहुत कह सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगलफुल थी, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि उनके जो फादर थे वो यूएस में पैदा नहीं हुए थे, हीज़ लाइफ वॉज नॉट ईजी, उनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी ईजी नहीं थी। He was carefully to remind readers that not all Arabs are alike, not all of them are terrorist. ठीक है, वो जब अपनी पोएम लिख रहे थे तो, या फिर अभी भी वो एक राइटर है, जब भी कोई पोएम लिखते हैं तो वो उस पोएम में ये दर्शाते हैं कि जितने भी अरब राइटर्स हैं वो नापसंद नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हर कोई अरब का व्यक्ति, अरब देश का व्यक्ति टेररिस्ट नहीं होता, ठीक है। वो ये बताना चाहते हैं कि हर कोई अरब देश का व्यक्ति टेररिस्ट नहीं होता, कुछ लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो राइटर हैं उन्होंने जो काम अमेरिकन्स करते हैं वही काम उस राइटर ने भी किया, ठीक है। हर तरह के रूल्स को फॉलो किया, हर तरह के मान्यताएं जो भी हैं उन सब को फॉलो किया, किसी भी तरह का इरेगुलेशन का वो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो भी एकदम अमेरिकन्स की तरह, बट अमेरिकन्स ने उन्हें अपनाने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट अपनाई।
इन पोम वी कैन नोटिस दैट देयर आर लैक ऑफ राइम्स, ठीक है। अब जब हम पोम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लैक ऑफ राइम्स हैं एंड रिदम्स आर नॉट इरेगुलर। यहाँ पर राइम्स जो बनाई गई हैं उसमें बहुत कमी है, ठीक है, लैक ऑफ राइम्स है। उसके बाद जो रिदम्स हैं वो इरेगुलर है। रिदम्स का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक ही लय में पढ़ते चले जाते हैं, एक गाने की तरह, ठीक है। हम किसी गाने को गाते हैं तो हम एक तरह से गाते हुए चले जाते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। इसी तरह रिदम्स भी होते हैं, बट यहाँ पर रिदम्स का भी थोड़ी सी कमी है। द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोम आर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ईच ऑफ वर्ड्स इज मीन्ट टू इवोक एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। अब जो लास्ट की जो फ्यू लाइन्स हैं, पोएम की जो आखिरी की कुछ लाइन्स हैं, वो लाइन्स में हम कोई मीनिंग नहीं बनती, बट उन लाइन्स में जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो शब्द ये बताते हैं, या फिर जो रीडर के मन में एक इमेज बना देते हैं और उसके दिमाग में एक इमेज बना देते हैं जो कि उसे इवोक करता है, उत्साहित करता है उस इमेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट के जो कुछ लाइन हैं उनमें कोई मीनिंग नहीं है, बट उनमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स में से हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारे टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कुछ ये हैं। टॉपिक क्वेश्चन, वट इज़ द पोस पोम, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूसेज पोस पोम, ठीक है, पोस पोम को यूज़ करने के जो एडवांटेज क्या क्या हैं। इसके बाद आता है हाउ टू रीड पोम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू रीड पोम। सो इसकी यहाँ पर पोएम को रीड करने के लिए हमें दो चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, डिनोटेशन एंड कोनोटेशन, ठीक है, कोनोटेशन और डिनोटेशन। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको इसको याद करने में थोड़ी सी वो होगी, पर अगर आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप इसको बार बार कहीं पे भी अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली डिनोटेशन का मतलब होता है, डिनोटेशन इज़ अ लिटरेरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड द डिक्शनरी डिफाइनेशन रेदर देन इट्स एसोसिएटिव इमोशंस और डेफिनेशन, ठीक है। तो डिनोटेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा शब्द जिसका मीनिंग डिक्शनरी में प्रोवाइड किया गया हो, ठीक है, ना कि वो एक इमोशन का वर्ड हो, ठीक है, या फिर वो किसी भावना से जुड़ा हो। डिनोटेशन का मतलब है एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आपको ऑफिशियली हो, जिसका मीनिंग ऑफिशियली हो और वो डिक्शनरी में प्रोवाइड किया जा चुका हो, ठीक है, तो वो डिनोटेशन कहलाता है। और यहीं पे कोनोटेशन आता है, जो कि होता है कि कोनोटेशन रेफर्स टू द एसोसिएशन दैट आर कनेक्टेड टू द सर्टेन वर्ड और द इमोशनल सजेशन रिलेटेड टू द वर्ड। अब कोनोटेशन रेफर करता है एक ऐसी एसोसिएशन को जो कि कनेक्टेड है कुछ ऐसे वर्ड्स से जो कि इमोशनल सजेशंस रिलेटेड टू दैट वर्ड, ठीक है। अब सपोज करिए कोई एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग एक इमोशनल है, ठीक है, एक ऐसा शब्द जो कि जिसका कोई अलग भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है, तो वो कोनोटेशन कहलाता है। अब मैं आपको इस तरह बताऊँ तो यहाँ पे एक उदाहरण दे सकते हैं हम कोनोटेशन के, कि सपोज़ करिए यहाँ पे दो लाइंस हैं, ठीक है, देर इज़ अ स्नेक, देर इज़ अ स्नेक, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, तो ये डिनोटेशन का हुआ, देर इज़ अ स्नेक। स्नेक मतलब एक एनिमल, एक तरह का एनिमल जो कि होता ही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक और है, दूसरा एग्जांपल आता है कि राहुल इज़ अ स्नेक इन आवर टीम बिकॉज ही टेल्स आवर प्लान टू अनदर टीम, ठीक है। अब यहाँ पर राहुल को एक स्नेक की तरह बताया गया है, क्यों, क्योंकि राहुल ने क्या करा, धोखाधड़ी करी, राहुल ने अपनी टीम का प्लान दूसरी टीम को बता दिया, तो यहाँ पर राहुल क्या हुआ, सांप हुआ, ठीक है। अब जिसे हम हिंदी में आस्तीन का सांप कहते हैं, एक मुहावरा है आस्तीन का सांप, मतलब कि वह व्यक्ति जो कि अपने ही उसमें रहकर दूसरों की मदद करता है, ठीक है, तो वो आस्तीन का सांप कहलाता है। तो यहाँ पर कोनोटेशन का मतलब है कि एक वर्ड जिससे एक इमोशनल मीनिंग भी ऐड हो। अब यहाँ पे बाकी चीज़ बताएगी कि राइटर्स आर मोस्टली यूज डिनोटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज बिकॉज दे नीड टू कन्वे समथिंग एज डायरेक्टली एंड एज अ लॉजिकली एंड पॉसिबल, ठीक है। तो जो राइटर्स होते हैं, ऑर्थर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिनोटेटिव सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्वे समथिंग डायरेक्टली, क्योंकि वो कुछ बताना चाहते हैं रीडर्स जो हैं उनसे कन्वे करना चाहते हैं डायरेक्टली, सीधे उनसे कन्वे करना चाहते हैं लॉजिकली, मतलब जो भी वो कन्वे करेंगे उसका लॉजिक होना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो रीडर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ समझने में, पर अगर आप कोनोटेटिव
कोनोटेशंस वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है मीनिंग समझने में। पोइट्स जनरली टेंड टू यूज़ कोनोटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो पोइट्स होते हैं वो कभी कभी, ठीक है, टेंटेटिव होते हैं, मतलब उत्साहित होते हैं, क्या यूज़ करने के लिए, कोनोटेटिव वर्ड्स को, बिकॉज दे नीड टू कन्वे एन एक्सप्रेशंस एक्सपीरियंस एन इमोशन फीलिंग्स एक्सेट्रा। जब भी कभी कोई पोइट या फिर कोई राइटर अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, सॉरी अपने एक्सपीरियंस को, जो भी उसका इमोशंस है उसे प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, रीडर्स को बताना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे कोनोटेशंस वर्ड का यूज़ करता है, ऐसे शब्द जिनका कोई इमोशनल मीनिंग भी होता है उनका यूज़ करके अपनी पोम में लिखता है, तो जिससे रीडर जो होता है वो अगर उसकी फीलिंग समझ रहा है तो वो उस वर्ड की मीनिंग भी ज़रूर समझेगा। अब इसके बाद पूछा था कोनोटेशंस ऑफ द वर्ड इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन दैट एज द केस मे बी। अब जो कोनोटेशंस होते हैं वो वर्ड दोनों तरह के मीनिंग्स को अपने साथ इंक्लूड करता है, पॉजिटिव मीनिंग्स भी होते हैं उसके, नेगेटिव मीनिंग्स भी होते हैं। ये किस पे बेसिस होता है, ये बेस होता है कि केस, हम वो शब्द कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज डिनोटेशन एंड कोनोटेशन, व्हाई इज कोनोटेटिव एस्पेक्ट वर्ड सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पोइट। कोनोटेटिव वर्ड्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बेसिकली अभी आपको लास्ट में बताया था कि जब ये कोनोटेटिव वर्ड्स का तब यूज़ किया जाता है राइटर के द्वारा, जब राइटर अपनी फीलिंग्स इमोशंस या फिर अपने एक्सपीरियंस को रीडर्स के साथ शेयर करना चाहता है, तो उस समय वो अपने कोनोटेटिव वर्ड्स का यूज़ करके अपनी राइटिंग करता है। इसके बाद उदाहरण है कुछ, होम और हाउस, अनएट्रैक्टिव अगली, स्लेंडर स्किनी, ये तीन तरह के उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कोनोटेटिव है और कौन सा डिनोटेटिव। तो होम क्या है, होम में मतलब भी घर और हाउस मतलब भी घर, बट जो होम होता है वहाँ पे उसकी एक पर्सनल मीनिंग है कि होम में परिवार होता है, ठीक है। बट हाउस है, हाउस मतलब एक घर जहाँ पे सिर्फ घर है, उसमें कोई रहता नहीं है, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अनअट्रैक्टिव मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई अट्रैक्ट नहीं करता, बट अगली मतलब एक व्यक्ति जो गंदा है, ठीक है। तो जो अगली है वो कोनोटेटिव है और जो अनअट्रैक्टिव है वो डिनोटेटिव है, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। अब स्लेंडर और स्किनी, स्लेंडर मतलब एक शेप, शेप किसी चीज़ की भी हो सकती है, पर स्किनी मतलब एक पतला व्यक्ति, ठीक है, एक दुबला पतला व्यक्ति स्किनी। तो ये हो गया कोनोटेटिव और ये हो गया आपका डिनोटेटिव, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को पढ़कर ये बता सकते हैं कि वो डिनोटेटिव है या कोनोटेटिव। अब हमारा चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो है इस्लाम पोम, इस्लाम पोइट्री, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में बेसिक्स तो पता होने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब हम बात करें इस्लाम पोइट्री की, तो ये होता है इस्लाम पोइट्री इज एसेंशियल पोइट्री दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, इट डेवलप्ड इन अर्लियर 90s इन नॉर्थ अमेरिका। जो इस्लाम पोइट्री है वो एक तरह की ऐसी पोइट्री होती है जिसको हम कहाँ यूज़ कर वो कहते हैं, जो कि परफॉर्म होती है ऑन द स्टेज, ठीक है, उसका वो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है इस तरह की पोइट्री, और ये डेवलप्ड हुई थी इन 1980 से पहले इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ऐसी पोइट्री जो कि ऑन द स्टेज स्टेज पर खड़े होकर बोली जाती है वो क्या कहलाती है, इस्लाम पोइट्री कहलाती है। एंड गेंड पॉपुलैरिटी इन लार्ज कंट्री नंबर इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है। और जब ये पोइट्री की ये वाली फॉर्म आई तो इसके बाद इस्लाम पोइट्री ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पोइट्री भी लिखी, ठीक है, इस्लाम पोइट्री से रिलेटेड पोइट्री लिखी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने इसका इन्वेंशन किया था, तो मार्क केली स्मिथ फॉर्म शिकागो इज कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ इस्लाम पोइट्री, ठीक है। तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इस्लाम पोइट्री, पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये यही व्यक्ति है जिसने ये सोचा कि अब मैं एक न्यू पोइट्री की फॉर्म को बनाऊंगा, और उसने एक फॉर्म बनाई भी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसको आपको पता होना चाहिए, जो कि बुक में लिखी है, बट बेसिकली हम यहाँ पर उसे बताऊँगा, लिख के लाऊँगा तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो सिंपली स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि ये व्यक्ति पोम का काफ़ी बड़ा रीडर था, देन इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति ने सोचा कि जनरेशन
पोम पोयम जो है उससे दूर होती जा रही है, ठीक है। पोम का जो टच है पीपल्स के साथ वो कम हो रहा है। तो ही ब्रिंग पोइट्री टच बैक इन टू द कॉमन पीपल। ये चाहता था कि जो कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं, वो भी पोयम को पढ़ें और उसके साथ कनेक्टेड रहें। तो ही ऑर्गेनाइज्ड अ पोइट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन विद सम ऑफ बेसिक रूल्स। तो इसने क्या करा, अपने घर के पास एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, पोइट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन, और जिसके रूल्स काफ़ी बेसिक थे, ठीक है। तो इस तरह उसने एक पोइट्री कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी लोगों को बुलाया। और इसने अपने घरों की दीवारों के पास, दीवारों पर, ठीक है, और उसके आसपास के एरिया में छोटी छोटी पोम्स को लिख दिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द नेम स्लम पोइट्री परहैप्स कम फ्रॉम दिस फ्रीडम ऑफ द ऑडियंट टू स्लम पोइट्री इन पब्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो स्लम पोइट्री है उसका नाम आया है, जो उसका नाम का मतलब है वो है कि फ्रीडम ऑफ द ऑडियंट टू द स्लम पोइट्री इन पब्लिक। किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम है, मान्यता प्राप्त है कि वो एक पब्लिक प्लेस पे स्लम पोइट्री को कह सकता है। तो वहाँ से स्लम पोइट्री का नाम निकला है। किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम हो पब्लिक प्लेस में आके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ की या फिर अपने जो फीलिंग्स है उन्हें शेयर करने की, तो वो स्लम पोइट्री कहलाता है। तो व्हाट इज़ स्लम पोइट्री, ये क्वेश्चन आता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। आप जो मैंने पॉइंट दिए हैं आप उनको ले सकते हैं, कुछ पॉइंट अपने तरफ से ले सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प करेंगे एक आंसर, अच्छा सा आंसर बनाने में, जिससे कि आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये और आज का चैप्टर यूनिट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। इस यूनिट में हमने दो पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी ये नोट्स चाहिए होंगे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी स्टडी में। और आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। और मेरी और भी वीडियोस हैं जो सेकंड ईयर की, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ की पूरी बुक कंप्लीट कर रखी है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।